Assalamu alaikum and good evening. Economics Times Toronto 360 के साथ मैं हूं आपका host Mehboob Shaikh. नाजरीन, पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन मौजूदा सूरत हाल गुज़िश्ता 18 साल से मुख्तलिफ उतार चढ़ाव का शिकार और शिकार का शिकार है. साल 2001 में 9/11 का वाक़ जब रूनुमा हुआ तो दहशतगर्दी के वाक़ात ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया. अमेरिका की जानिब से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान ने भरपूर तौर पर हिस्सा लिया और गुज़िश्ता 17 साल से पाकिस्तान की जानिब से दी जाने वाली कुर्बानियों को इस तरह से पज़ीराई नहीं मुयस्सर आई जिस तरह का पाकिस्तान मुस्तहिक था. पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दी का शिकार है और 9/11 से लेके अब तक इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के बाइस एक मुताद अंदाजे के तहत तकरीबन 123 अरब डॉलर यानी 123 बिलियन डॉलर्स का जो है वो पाकिस्तान को नुकसान फाइनेंशियली नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि 70,000 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक यानी शहीद भी हुए और ज़ख्मी भी हुए हैं, जिसका पाकिस्तान क्लेम भी करता है. इमरान खान मौजूदा वज़ीर आज़म ने अभी रिसेंटली एक हालिया तकरीर में इसका क्लेम भी किया था. अगर पाकिस्तान की मजमूई पैदावार के तीसरे हिस्से से ज़ायद इस नुकसान को देखा जाए तो उससे ज़्यादा का नुकसान है. और पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका का साथ देने के बाइस एक जानिब पाकिस्तान को 123 अरब बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ तो उसकी दूसरी जानिब बैरूनी सरमायाकारों का इनखला हुआ, क्योंकि हालात जो है वो पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ख़तरनाक सूरतेहाल पैदा हो गई थी 9/11 के बाद, और दहशतगर्दों ने एक के बाद एक कार्रवाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की. आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या किसी से ढका छुपा नहीं है. मासूम बच्चों ने शहीद होकर अपनी जानों का नजराना पेश किया. उन मासूम जानों का क्या कसूर था? लेकिन इसके बावजूद देखा जाता है कि अमन अमान की अबतर सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ डटा रहा. आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन दुनिया जो है वो ख़ासतौर पर अमेरिका पाकिस्तान को मज़ीद डूम और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई का मुतालबा करता रहा है और सूरत हाल अजीब व गरीब है. अब पाकिस्तान के ऊपर एक तरफ से दबाव है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाए. क्या अमेरिका पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 9 अरब डॉलर की इमदाद देकर 123 अरब डॉलर के नुकसान को पूरा कर सकता है? सवाल ये है कि 9/11 के बाद पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार नहीं हुआ क्या? क्या अमेरिका पाकिस्तान को तन्हा करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है? इस समेत बहुत सारे सवालात जो है वो इस वक्त गूंज रहे हैं. अमेरिका और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बाइस आज हमारे प्रोग्राम में बहुत ही नफीस और ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान पर बहारत रखने वाली पहली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका साउथ एशियन मीडिया की ब्यूरो ऑफ पब्लिक अफेयर अमेरिकन दफ्तर खारजा की तर्जुमान हेलेना वाइट के साथ हमने एक ख़ास नशस्त रखी है. थैंक्स हेलेना. महबूब साहब, आपका और टोरंटो 360 टीवी का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जनूबी एशिया और ख़ासकर अमेरिका और पाकिस्तान के लोग के ताल्लुकात पर बात करने का मौका फराहम किया. नाज़रीन, हेलेना वाइट का मुख्तसर सा तारुफ ये है कि हेलेना वाइट ने साउथ और सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए बतौर दफ्तर खारजा के तर्जुमान की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुकी हैं. हेलेना ने साल 2004 में फॉरेन ऑफिस में से अपने कैरियर का आगाज़ किया. भारत, श्रीलंका, कीनिया, वाशिंगटन में ब्यूरो ऑफ ईस्टर्न अफेयर्स समेत साउथ और सेंट्रल एशिया अफेयर्स, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुकी हैं. हेलेना ने भारत के इलाके राजस्थान से साल 1999 यानी 1999 के अंदर हिंदी ज़बान में फॉर्मल स्टडी समेत मास्टर डिग्री एशियन स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से हासिल की. हेलेना वाइट का उर्दू ज़बान में लफ्ज़ों की अदायगी का अंदाज़ काबिल तारीफ़ है.
بہت اچھے انداز میں اردو کے الفاظوں کا استعمال کرتی ہیں. ہیلنا، کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گی کہ اتنے اچھے انداز میں لفظوں کی ادائیگی کس طرح کر لیتی ہیں؟ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اردو زبان کی ایک طالب علم کی حیثیت سے گزارا ہے، لیکن پاکستان جانے کا موقع مجھے پہلی بار گزشتہ سال ملا. اردو زبان کو روز اپنے کام میں استعمال کرنا میرے لیے ایک خواب کے پورے ہونے کی طرح ہے. ہیلنا، آپ ساؤتھ ایشین میڈیا بیورو آف پبلک افیئر یو ایس اے کی دفتر خارجہ کی ذمہ داریاں کب سے ادا کر رہی ہیں، اور اردو زبان میں ترجمانی کا عہدہ کب تخلیق کیا گیا؟ میں دفتر خارجہ کی اردو ترجمان کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں 2017 سے ادا کر رہی ہوں، یعنی جب سے یہ عہدہ تخلیق کیا گیا. اس کو سنبھالنے والی میں پہلے اردو ترجمان ہوں. اس نوکری سے پہلے میں نے دفتر خارجہ کی جنوب و وسطی ایشیا بیورو کی ترجمان کی نوکری کی. یعنی دفتر خارجہ میں میں نے کام 2004 میں شروع کیا تھا. ناظرین، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا، کیونکہ ہیلنا ہمارے ساتھ ہے. ان سے مزید سوالات کریں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا کیا جواب دیتی ہیں. تھینک یو، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. Moringa has been used as a natural medicine for years. It is known as a miracle tree and provides real benefits for your body, as it contains over 46 types of antioxidants. What I love about Greenwich's certified organic moringa is that it's an upcoming detoxifying superfood. It's the highest quality moringa, and to be honest, I actually can't get enough of it. RIS presents A.R. Rahman Spiritual Experience live in concert with Sufi music at Metro Toronto Convention Center on 24th of December, Sham 5:30 baje. Brought to you by Watan Kabab and Taza in association with Universal Promotions. Bare Sagir ke namwar mausikar aur gulukar A.R. Rahman ka ruhani safar Sufi music ke saath. For tickets, visit risconcert.com. Sponsorship aur mazid malumat ke liye call kijiye Amir Shamsi 416-662-7861. It's 416-662-7861. Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Want to be updated when a new project launches? Then join our database today and never miss out on the latest projects. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. آج کل کے دور میں لوگ طرح طرح کے روحانی مسائل میں مبتلا ہیں، جس میں سر فہرست نظر بد اور حسد ہے، جو کہ جادو تعویذ اور جنات سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آپ کی ہر پریشانی کا حل ممکن ہے. روحانی پیشوا پروفیسر ساحل سے رابطہ کریں، جو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی مشکل سے نکالنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. آج ہی پروفیسر ساحل کو کال کریں 647-338-0736. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Oh.
weight and feeling fit is a simple three-point process: diet, exercise, and a weight reduction supplement. Veggie Slim by Greenish is a Health Canada approved weight management formula that's effective, safe, vegetarian, and natural to use. Combined with the right diet and exercise plan, Veggie Slim will bring you back onto the path of healthy living. वेलकम बैक व्यूअर्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स टोरंटो 360 के साथ मैं हूं आपका होस्ट महबूब शेख और हमारे साथ आज की मेहमान है हेलेना वाइट। ब्रेक्स में जाने से कबल हमने अमरीकी दफ्तर खारजा की तर्जुमान हेलेना वाइट से इनकी उर्दू ज़बान पर अबूर समेत दीगर सवालात और जिम्मेदारियों के हवाले से बातचीत की। अब हम हेलेना से मालूम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के माबेन दो तरफा तजारती ताल्लुकात समेत US एड जो कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों में दी जाती है उसकी मालियत कितनी है और अब तक कितनी इमदाद अमरीका पाकिस्तान को दे चुका है। पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद जैसे दो तरफा तलुकात पर मबनी सवालों के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप पाकिस्तान में हमारी सफारत खाने से रुजू करें। हेलेना, क्या आप ये बताना पसंद करेंगी कि पाकिस्तान और अमेरिका के माबेन अब तक कितने शोबों या सेक्टर्स में सरमायाकारी की जा चुकी है? क्या पाकिस्तान में तजारती लेन देन के हजम को बढ़ाने यानी पाकिस्तान और अमेरिका के माबेन दो तरफा तजारती लेन देन समेत अमरीकन प्राइवेट सेक्टर या निजी सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है? मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि अमरीका की पाकिस्तान के साथ कई शोबों में शराकत दारी की और इनमें हुड़क, ज़ारत, सेहत, सिक्योरिटी और तरक्की के शोबे शामिल हैं। मैं ये भी ज़रूर कह सकती हूँ कि न सिर्फ अमरीकी दफ्तर हर्जा बल्कि निजी अमरीकी कंपनियाँ भी पाकिस्तान से तजारत बढ़ाने में दिलचस्पी रखती हैं। हेलेना, बहुत ही अहम सवाल मैं करने जा रहा हूँ आपसे, क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार से अमेरिका मुतमईन है और मजीद क्या तवक्कात पाकिस्तान से अमेरिका वाबस्ता किए हुए हैं? जैसे कि सेक्रेटरी पोम्पेयो कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में एक अहम किरदार अदा किया है और अभी इलाके में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान का एक अहम किरदार है। दहशतगर्दी एक ऐसा आलमी मसला है जिसकी अब कोई सरहद नहीं है और बदकिस्मती से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर उस मुल्क की जंग है जो अमन और खुशहाली चाहते हैं। हेलेना, क्या सदर ट्रंप जनूबी एशिया के लिए अमरीकी पॉलिसियों में तब्दीली करना चाहते हैं और क्या अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का हल सिर्फ जंगे या कोई सियासी हल भी है आपके ख्याल में? सदर ट्रंप अपनी जनूबी एशिया की पॉलिसी पर तफसील से बात कर चुके हैं। जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है तो अमेरिका एक अरसे से अफगान क़यादत और अफगान मिल्कियात में अमन के हुसूल कई तरीके की हमायत करता आया है। हम समझते हैं कि अफगानिस्तान में अमन के लिए एक सियासी हल ज़रूरी है। हेलेना भाई, जनूबी एशिया के ममालिक खासतौर पर पाकिस्तान और भारत के माबेन शदीद तनाव के बाइस सार्क ममालिक का रीजन यानी साउथ एशिया जो है वो उसकी अवाम गुरबत में इजाफे के बाइस मुश्किलात का शिकार है। दूसरी जानिब जो है वो दोनों ममालिक के माबेन तजारत उस तरीके से नहीं हो सकती जिस तरह के होनी चाहिए। क्या माशी तरक्की के लिए जनूबी एशिया में गुरबत में कमी के लिए अमेरिका पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर कोई किरदार अदा कर रहा है? पड़ोसियों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात अहम होते हैं। अमेरिका किसी भी मुल्क के अपने पड़ोसी मुल्क के साथ तरक्याती और मच्छी मंसूबों की हमायत करता है, लेकिन शर्त है कि ये मंसूबे बैन अल-अक़वामी क़वानीन और उसूलों के मुताबिक हों। अहना, बहुत ही अहम सवाल करने जा रहा हूँ। रिसेंटली जो है वो अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर पाबंदी आयद की गई हैं
वो पाबंदियाँ क्या हैं, उन पाबंदियों की वजूहात क्या हैं, और क्या इस पाबंदियों में भारत को नज़रअंदाज किया गया है कि भारत का तजारती लेन देन या तेल की दरामद भारत करता रहेगा। तो अगर पाबंदी आयत की गई है तो भारत के ऊपर भी ये पाबंदी क्यों नहीं आयत की जाती कि वो भी ईरान से तजारती लेन देन या तेल की दरामद ना करें? आपके सवाल का आसान जवाब ये है कि ईरान पर पाबंदियों का मकसद ईरान को एक आम अच्छे मुल्क की तरह बर्ताव करने पर मजबूर करना है। जौहरी मुहायदे के कियार में ईरान ने दहशत गर्द तंजीमों, गैर कानूनी हुकूमतों और दीगर आदम इस्तेकाम पारा करने वाले मनफी कार्रवाइयों में कई बिलियन डॉलर लगाए। ईरान के अवाम ने तकलीफ उठाई जबकि ईरानी हुकूमत ने अपने अवाम और इलाके में अमन की कीमत पर सिर्फ अपने आप को ही फायदा पहुंचाया। हेलेना, क्या आप ये बताना पसंद करेंगी हमारे नाजरीन को कि आप फारिग वक्त में या जब आपको गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टियां दी जाती हैं, वेकेशन पे जाती हैं, तो आपको कौन सी जगह या कौन सा शहर या कौन सा मुल्क पसंद है जहां आप अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां गुजारने को अच्छा महसूस करती हैं? मेरे ख़ानदान को दुनिया की सैर का बहुत शौक है। आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी दो बच्चे जिनकी उम्र 8 और 10 साल है अब तक 9 मुख्तलिफ ममालिक में रे या उनकी सैर कर चुके हैं। मैं इस बात की बहुत कदर करती हूँ कि मेरे बच्चों को मुख्तलिफ सकाफतों से तल्लुक रखने वाले लोगों से मिलने का मौका मिलता है। मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन मैं उन्हें पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और श्रीलंका भी लेकर जाऊं, क्योंकि ये मुल्क मेरी और मेरी शोहर की जिंदगियों में बहुत अहम रहे हैं। वाशिंगटन और लंदन में रहने के बावजूद मुझे खुशी है कि यहाँ रहने वाले तारकीन वतन लोगों के ज़रिए मेरे बच्चों को जनूबी एशिया की मखसूस मेहमान नवाजी और तहजीब के देखने का मौका मिला। हेलेना, आप हमारे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगी कि आपको कौन सा फ्रूट साउथ एशियन यानी जनूबी एशिया का पसंद है जो आप बहुत शौक से खाना पसंद करती हैं? पसंदीदा फल जाहिर है, आम के अलावा और क्या हो सकता है। आपके पसंदीदा खाने कौन से हैं, साउथ एशियन या इटालियन फूड्स, क्या खाना पसंद करती हैं आप? तो मुझे मुगलाई खाना और हैदराबाद की बिरयानी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा हाथ की चपाती, सादा दही और भिंडी मसाला खाने में आता है। हेलेना, आपकी ज़िंदगी के मकासद और गोल्स क्या हैं, क्या आप हमारे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगी? उर्दू ज़बान बोलने वालों से गुफ्तगू करना मेरे दिल से एक बहुत ही करीब मकसद है, और ये मकसद मैं अपनी नौकरी की बदौलत हर रोज़ हासिल कर लेती हूँ। इसके अलावा ज़ाती तौर पर मेरे लिए अमरीकी और पाकिस्तानी लोगों के दरमियान रिश्तों का मजबूत होना बहुत अहम है, और ऐसे कई मिलियन लोग हैं जो अपने आप को बायक वक्त पाकिस्तानी और अमरीकी कह सकते हैं, कई मनफी बातों के बावजूद जिन्हें हम बातचीत से हल भी कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि हमारे दरमियान एक कुदरती तल्लुक मौजूद है। इसके अलावा मेरी कुछ तख्लीकी मकासद भी हैं जिनमें एक नावल की आशात सबसे ऊपर है। ये नावल जो आजकल मैं लिख रही हूँ मेरी उर्दू बोलने वाले लोगों के साथ पेश आने वाले तजुबात पर मबनी है, और पाकिस्तानी ड्रामों की एक मदा होने के नाते बाज़ औक़ात मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं किसी पाकिस्तानी ड्रामे में एक मेहमान अदाकार की हैसियत से कोई छोटा सा किरदार करूं। हेलेना, आपका पसंदीदा इंग्लिश या उर्दू सॉन्ग कौन सा है जिनको आप गुनगुनाती रहती हूँ, और अगर जो पसंद है अगर हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा गुनगुना भी दें? पसंदीदा अंग्रेज़ी गाना, ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है क्योंकि मुझे हर तरह की म्यूज़िक ही पसंद है। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत छोटी उम्र से मुझे बीटल्स के गाने बहुत पसंद है, क्योंकि बीटल्स की म्यूज़िक ही हमेशा ही मेरी मूड अच्छा कर देती है। नॉर्वेजियन वुड मेरी पसंदीदा गाना है,
शायद इसकी वजह ये है कि ये पहले अंग्रेजी गाना था जिसमें जनूबी एशिया का साज सितार इस्तेमाल किया गया है. पसंदीदा उर्दू गाना, मुझे इकबाल बानो बहुत पसंद है. ख़ास तौर पर मेरी पसंदीदा शायर फैज़ अहमद फैज़ का जो कलाम उन्होंने गाया है, इस कदर प्यार से आए जाने जहां रखा है, दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ, यूं कुमा होता है गर्चे है अभी सुबह फिराक, दाल गया हिजर का दिन अभी गई वसल ही रात. हेलना, आप टोरंटो 360 के तवसुस से हमारे नाजरीन को, हमारी कम्युनिटी को कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज़. जनूबी एशिया में रहने वाले और वहाँ से तलुक रखने वाले लोगों ने दुनिया को कई अजीम साइंसदान, फनकार, रहनुमा, असातिज़ा और ख़ानदान दिया है. हमारी ख्वाहिश है कि इलाके में अमन और खुशहाली आए, जो वहाँ के लोग चाहते हैं. एक ऐसे फ़र्द की हैसियत से जो पूरी जनूबी एशिया में फिरा है, मुझे अमेरिका और जनूबी एशिया के लोगों के दरमियान दूर रखने से कहीं ज़्यादा करीब करने वाली बातें नज़र आती हैं. मैं आप सबका मुझे उर्दू ज़ुबान का खूबसूरत तोहफ़ा देने पर शुक्रिया अदा करती हूँ और आपकी नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि अगर वो चाहें तो वो ये गुफ्तगू हमारे सोशल मीडिया के चैनल USA उर्दू पर जारी रख सकते हैं. नाज़रीन, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जारी शदीद तनाव के बावजूद पाकिस्तान से टेक्सटाइल की बरामदात का हजम अमेरिका में बढ़ता जा रहा है और एक बहुत बड़ा शेयर पाकिस्तान की टेक्सटाइल मार्केट का अमेरिका में है. गुज़िश्ता सूरत हाल के बावजूद अब तक की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान और अमेरिका के माबेन $6 बिलियन की तजारत तजावुज कर चुकी है. हमने हेलेना वाइट से पाकिस्तान और चाइना के माबेन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अमेरिका को क्या तहफ़ुज़ात या क्या खदशात लाई के समेत बहुत सारे सवालात किए, उनमें ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से कि अब हम अवाम के मुफाद को मद्दनज़र रखते हुए किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और अफ़ग़ानिस्तान में के अंदर जो है वो जंग की बजाय सियासी हल होना चाहिए समेत दीगर सवालात भी किए, लेकिन वो ज़ाहिर एक हसास नोयत के सवालात थे जिस पर उन्होंने हमें जवाब देने की बजाय हमें कहा कि आप इस्लामाबाद ऑफिस से रابطہ करें, जो कि ज़ाहिर उनके उसमें नहीं आता जिसकी वजह से उन्होंने हमसे ये कहा. लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के जो मिनिस्टर बराए फॉरेन अफेयर हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने जो है वो पेंटागन की जानिब से जो $300 मिलियन की फ़ौजी इमदाद थी उसको रोक देने के बाद एक बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त बयान दिया कि जो है वो जनाब ये इमदाद जो है इसको आप उस इमदाद जो पाकिस्तान को देते हैं उससे मशरूत ना करें कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगा तो ये इमदाद रोक दी जाएगी. इस समेत बहुत सारे मामलात हैं जिस पे जो है वो पाकिस्तान को रिज़र्वेशन है अमेरिका के साथ और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और अमेरिका के माबेन जो मौजूदा सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़ियादत में हुकूमत कोई इकदाम करेगी जिससे दो तरफ़ा तजारत में इजाफ़ा भी होगा और पाकिस्तान और अमेरिका के माबेन जो है वो ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी होगी. हेलेना, हम टोरंटो 360 की पूरी टीम की जानिब से आपके मशकूर हैं कि आपने टोरंटो 360 को ये एज़ाज़ बख्शा कि आपसे अमेरिका और पाकिस्तान समेत आपकी उर्दू ज़बान की अदायगी पर बातचीत हो सकी. शुक्रिया महबूब साहब. नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बाइस जो है वो हुकूमत ने जहांगीर सिद्दीकी के साहबजादे अली जहांगीर को वाशिंगटन से जो एम्बेसडर थे वापस बुला लिया और उनकी जगह जो है वो असद मजीद खान को वाशिंगटन में बतौर सफारतकार नामजद कर दिया है और इसी तरह जो है वो मुझे उम्मीद है कि असद मजीद खान भी जो है वो मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़्यादत के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के माबेन ताल्लुकात में बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे. हेलेना, थैंक्स फॉर योर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस. अपने होस्ट महबूब शेख को नाज़रीन इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ
کہ پاکستان بہت جلد ایشین ٹائیگر بن کر دنیا کے سامنے ابھرے. آمین ثم آمین. صرف ہیلنا کے لیے صرف یہ ایک چھوٹا سا شعر میں پیش کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے اتنی محبت سے انہوں نے ہمیں اپنا جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا اور یہ ہمیں اعزاز دیا ٹورنٹو 360 کو کہ ہم پھولوں کے سوداگر ہیں سودا سچا کرتے ہیں, ہم پھولوں کے سوداگر ہیں سودا سچا کرتے ہیں, اگر گاہک ہوں آپ جیسے تو بن مانگے بک جاتے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھے گا. پوری ٹیم ٹورنٹو 360 کے ساتھ اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. انتظار کی گھڑیاں ختم. واجد ملک پریزنٹس آل بریک اینڈ سٹون سٹرکچر, 42 فیٹ تک ڈیٹیچڈ ہومز اور فری ہولڈ ٹاؤن ہاؤسز, وہ بھی ڈاؤن ٹاؤن وٹیبی میں. فری ہولڈ ٹاؤن ہاؤسز صرف $6,24,900 سے اور ڈیٹیچڈ ہومز صرف $9,05,000 سے. سو انجوائے دا لگژریس انٹیریئر اینڈ ایکسٹیریئر آل بریک سٹون سٹرکچر, وہ بھی اس امیزنگ پرائس پر. مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں واجد ملک ایٹ 416-827-3333. مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ. ماشاءاللہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے. اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکفل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے. ڈونیشنز کے لیے کال کریں 9052571342 یا wimcanada.com پہ لاگ ان ہوں. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. روشن مستقبل اور اپنوں کا ساتھ جنت سے کم نہیں. آپ بھی کینیڈا کو اپنا گھر بنا سکتے ہیں. گرین سٹار امیگریشن سولوشنز کے ریگولیٹڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ شہباز اکبر کے ساتھ ماسٹر آف بزنس کلاس امیگریشن, ایکسپریس انٹری, اسکل کلاس امیگریشن, ریفیوجی کلیمز اینڈ فیملی اسپانسرشپس. سو کال ناؤ ایٹ 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. Dixie Electronics and Appliances is your number one destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Moringa has been used as a natural medicine for years. It is known as a miracle tree and provides real benefits for your body, as it contains over 46 types of antioxidants. What I love about Greenwich's certified organic moringa is that it's an upcoming detoxifying superfood. It's the highest quality moringa, and to be honest, I actually can't get enough of it.